हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BHU पाठशाला नेहा दिस साइड। अभी आपका CUET का एग्जाम हो गया है एंड फाइनली आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है आपका काउंसलिंग होना। तो देखिए, यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना काउंसलिंग उनकी वेबसाइट के थ्रू करवा रही हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें पर्टिकुलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पोर्टल एक्टिवेट नहीं हुई है, एडमिशन पोर्टल अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ओके, लेकिन ये बहुत जल्द एक्टिवेट हो जाएगा। आप वेबसाइट पर लगातार चेक करती रहिए और हम भी यहाँ पर खड़े हैं अगर कोई भी अपडेट आती है तो आप सभी को बताने के लिए। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन की, तो देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में थर्ड प्लेस पर रहा है। तो अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है। और आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिलता है तो एफिलिएट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि एफिलिएट कॉलेजेस यहाँ पर हैं, उनमें भी अच्छी खासी सीट्स हैं और उनमें भी पढ़ाई अच्छी होती है। ओके, अगर हम यहाँ पे अब बात करें आपकी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है, तो अब नई वाली फ़ीस आपकी कितनी लगने वाली है। तो देखिए, अगर हम बात करें BA कोर्स की, तो BA कोर्स की आपकी 900 से 1000 के बीच में एक साल की फ़ीस लगती थी, लेकिन अब यहाँ पे अगर आपकी जो बढ़ी हुई फ़ीस है उसकी बात करें, तो वो आपकी हो गई है 3700 से 4000 के बीच में। यानी कि अब आपको जो नया आप एडमिशन ले रहे हैं, तो BA के लिए आपको एक साल की फ़ीस 3700 से 4000 के बीच में देनी होगी। अगर हम बात करें BCOM कोर्स की, तो आपकी फ़ीस पहले इसकी 975 रुपये के आसपास लगती थी, अब आपकी फ़ीस 3900 से 4000 के बीच में लगेगी। अगर हम बात करें आपके BSc कोर्स की, तो पहले आपकी 1125 रुपये फ़ीस लगती थी और अब आपकी ये फ़ीस 4100 से 4200 के बीच में लग रही है। ओके, तो ये उनके लिए है जो अभी आप नया एडमिशन लेने वाले हो। अभी आप देख रहे हो कि प्रोटेस्ट भी चल रहा है। अगर ये प्रोटेस्ट आपका सफल हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी फ़ीस बढ़ जाती है, तो बढ़ी हुई फ़ीस आपकी कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। और अगर आपकी जो पुरानी फ़ीस है, तो वो तो हमने आपको बताया, जिस अकॉर्डिंग चलता आ रहा है चलता रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।